अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पिछले हम 3 दिन से ये खबर बता रहे थे कि कैसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्रीहरि कोटा में कैसे पुलिस कांस्टेबल ने सुसाइड किया। एक जवान झाड़ से लटक कर सुसाइड किया, एक जवान अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी की। आज यानी कल रात में ये विकास सिंह जो सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी किया था, उसकी बीवी सुसाइड कर लिया पंखे से लटक कर। बताया जा रहा है कि बच्चे की भी हालत ठीक नहीं रह रही थी और शायद फाइनेंशियल भी कुछ प्रॉब्लम था, और यही वजह से विकास सिंह ने सुसाइड किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली इनकी बीवी ने इनकी मौता को देखने के आई थी, और वहीं जहां पर रखा जाता है वेटिंग हॉल में यानी एक रूम देकर, उसी रूम में फांसी लगाकर ये खातून भी खुदकुशी कर ली। बड़ी अफसोस की बात है, इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे पुलिस वाले सुसाइड कर रहे हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ सीधा नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ सही नहीं है। क्योंकि बड़े अहदेदार जो होते हैं, बड़े अहदेदार बड़े लोगों की बात सुनते हैं, उनसे छोटे अहदेदार उनसे छोटे वालों की बात सुनते हैं, बीच में फंसते हैं ये सब में छोटे लोग, होमगार्ड और कांस्टेबल, जिनको ऐसे लोगों की हुक्म मानना पड़ता है, सब इंस्पेक्टर की ACP की DCP की हुक्म मानना पड़ता है। ना चाहते पर भी ये लोग जो काम नहीं करना है वो काम करते हैं। शायद यही वजह कुछ ईमानदार पुलिस वाले ये नहीं कर सकते, और यही वजह है कि इस तरह से दो लोग सुसाइड किए हैं, या फिर इनको सही तरीके से सहूलत नहीं दी जा रही थी, जुल्म किया जा रहा था, प्रेशर डाला जा रहा था। वजह चाहे बहुत सारी हो सकती है, तहकीकात पूरी ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक के बाद एक दो पुलिस वाले सुसाइड किए हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आंध्र प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर कुछ खास सही नहीं है। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।